हाय, माय नेम इज अनुभव एंड वाचिंग थिंकऑफ। और आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं। हम जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड, कि हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। और जब हम किसी नंबर को जो है डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा बहुत बड़ा आता है। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 0.1 तो हमारा आंसर आता है 10, 1 डिवाइड बाय 0.001 आंसर 1000, 10000 ऐसे बढ़ता जाता है। पर डिवीजन में तो हमेशा वैल्यू कम होती है, पर यहाँ पे ज्यादा क्यों हुआ? बोले बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है, मुझे पता है, पर मुझे नहीं पता था। और इसको समझने के प्रोसेस में मुझे ये भी पता चला कि हम किसी भी नंबर को जो है जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा आंसर जो है हमेशा अनडिफाइंड आता है, यहाँ तक कि इन्फिनिटी भी नहीं आता है, अनडिफाइंड आता है। क्यों? तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन क्या है। वेल, मल्टीप्लीकेशन कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का एडिशन है। जैसे कि 2 × 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को 6 बार ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? जवाब है 12। जब हम 5 × 7 करते हैं तो हम वहाँ पर 5 को 7 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 35। और ठीक ऐसे ही डिवीजन कुछ और नहीं बल्कि सब्सट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 35 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब ये हुआ कि हम 35 में से 5 को कितनी बार माइनस करें कि 35 जो है जीरो हो जाए, तो आंसर है 7 टाइम्स। तो 7 हमें कुछ और नहीं बल्कि ये बता रहा है कि हमने 5 को कितनी बार माइनस किया है 35 में से। और ये चीज़ ये भी एक्सप्लेन करता है कि हम जब किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इतना बड़ा क्यों आता है, 1000। तो इसका आंसर भी सेम है कि हम 1 में से 0.001 को कितनी बार माइनस करें कि 1 जो है जीरो हो जाए, तो आंसर है 1000 टाइम्स। अब हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायरेक्ट जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जीरो की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे। एक छोटा सा नंबर 1 लेते हैं, हम डायरेक्ट 1 को जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि जीरो की तरफ जाएंगे। 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 0.01 तो आंसर आएगा 10, 1 डिवाइड बाय 0.001 आंसर आएगा 1000, 1 डिवाइड बाय 0.0001 आंसर आएगा 10000। और ऐसा करते हुए हम जीरो की तरफ जाएंगे, पर क्या कभी जीरो पहुंचेंगे? आंसर है नहीं, ऐसा हमको इनफिनाइट टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइड बाय 0 इनफिनाइट आएगा? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। पर क्यों? 1 डिवाइड बाय 0 तो यहाँ पे इन्फिनिटी दिख रहा है। उसको समझने के लिए हमें एक और चीज समझना पड़ेगा। हम जीरो की तरफ 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 0.1, 1 डिवाइड बाय 0.01 ऐसा करते हुए भी जा सकते हैं, पर एक और आंसर है इसका। इसका एक और आंसर है कि हम माइनस की तरफ से जाएं, सिर्फ प्लस ही क्यों? अगर हम माइनस करेंगे तब भी हम जीरो की तरफ जा रहे हैं। 1 डिवाइड बाय -1, 1 डिवाइड बाय 0.1, 10, 1 डिवाइड बाय 0.001, -1000, 1 डिवाइड बाय 0.01, -10000। पर यहाँ पर आंसर हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम 1 डिवाइड बाय -1 करते हुए भी जीरो की तरफ जा रहे हैं, 1 डिवाइड बाय +1 करते हुए भी जीरो की तरफ जा रहे हैं, पर एक आंसर प्लस इन्फिनिटी है और एक आंसर माइनस इन्फिनिटी है। एक प्लस, एक माइनस, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही आंसर गलत हैं, इसीलिए 1 डिवाइड बाय 0 जो है अनडिफाइंड है, हम डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।